टर्म, जिसको हिंदी में कहते हैं अचड़ पद, फिर वेरिएबल टर्म चड़ पद, कांस्टेंट टर्म क्या होता है कि मैथ में जो भी डिजिट्स हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, कांस्टेंट टर्म, यानी कि जिसका वैल्यू कभी नहीं चेंज हो, जो फिक्स है, जिसका मान हमेशा फिक्स हो, बदले ना, उसको क्या कहेंगे, अचर पद, कांस्टेंट टर्म। वैसे ही गणित में जो इंग्लिश के अल्फाबेट आते हैं ए टू जेड, ए से लेके जेड तक अगर आपको मैथ में कहीं मिले तो वो क्या होगा, वेरिएबल टर्म चर पद। हम लोग जो अलजेब्रा पढ़ते हैं तो इसमें आपको ये दोनों चीज के बीच रिलेशन होता है, कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल टर्म, चर पद और अचर पद के साथ। अलजेब्रा में चार चीज हम लोग पढ़ते हैं, इस साइन को हम लोग क्या कहते हैं, प्लस, प्लस को पढ़ते हैं, फिर माइनस पढ़ते हैं, फिर मल्टीप्लाई पढ़ते हैं, और आखिरी में हम लोग डिवाइड। इस चार टॉपिक को अलजेब्रा के अंतर्गत आपको पढ़ना है, ठीक है। पहला अगर हम लोग पढ़ते हैं तो मान लीजिए कि आपको कहे ऐड करने के लिए जोड़ना है ना, इसमें आप क्या करेंगे, आपको दे दिया है कि टू एंड एक्स, आपको प्लस करना है, एंड के जगह पे क्या होगा, ऐड का साइन ना, हेडिंग क्या है, ऐड करना है, तो टू एंड के जगह पे प्लस का साइन दीजिए और एक्स, ठीक है, इक्वल टू देके, इसका आंसर क्या होगा, टू प्लस एक्स, क्योंकि टू क्या है, कांस्टेंट टर्म, और एक्स क्या है, वेरिएबल टर्म। तो अचर और चर एक साथ तो जुटेगा नहीं, क्योंकि दोनों दो कैटेगोरी से हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ प्लस का साइन दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, अगर आपको वही ये कहता है कि एक्स प्लस, सॉरी, एक्स एंड फोर एक्स, तो इसमें आप क्या करेंगे, एड ही करना है, तो एक्स प्लस फोर एक्स, अब इसको एड करके देखिए क्या आएगा, यहां नहीं कुछ है तो वन, वन और फोर को ऐड करेंगे तो फाइव, तो ये क्या हो जाएगा, फाइव एक्स ना, ये तो नॉर्मल था। अब अगर आपको इसमें चेंज करने के लिए टाइप करके दे कि आपको ऐड करना है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स क्यूब, ठीक है, कॉमा है, मान लीजिए प्लस का साइन नहीं दे के कॉमा दे दे और यहाँ एंड लगा दे, तो आप क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर कॉमा के जगह पे प्लस और एंड के जगह पे प्लस, यहाँ सारे वेरिएबल टर्म एक्स में ही है, लेकिन ये जुटेगा नहीं, क्योंकि इसका पावर क्या है, टू, इसका पावर वन और इसका थ्री, तो इसको हम लोग अकॉर्डिंग टू पावर, पावर के आधार पे इसको सजाते हैं, सबसे अधिक किसका पावर है, एक्स क्यूब, तो इसको सबसे पहले लिख दीजिए थ्री एक्स क्यूब, फिर स्क्वायर वाले टर्म को लिख दीजिए, और फिर जिसका पावर नहीं कुछ है यानी कि वन, उसको लिख दीजिए। फिर से देखिए, अगर समझ में नहीं आया तो एक्स स्क्वायर में टू एक्स और उसमें थ्री एक्स क्यूब को एड करना था, तो लिख दिए प्लस का साइन देके, चूंकि सब अलग अलग कैटेगोरी से हैं तो ऐड तो होगा नहीं, क्योंकि इसका पावर जो है वो टू है, इसका पावर नहीं कुछ है तो वन और इसका पावर थ्री, तो पावर भी देखना है, सिर्फ आपको ये नहीं देखना है कि ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो जुड़ जाएगा, सबका पावर भी देखेंगे, अगर एक्स वाला है तो उसका पावर भी सेम होना चाहिए, सबका पावर अलग अलग है, तो अब पावर के आधार पर इसको आप सजा लीजिए, इसका पावर तीन था इसको पहले लीजिए, इसका दो था फिर उसको ले लिए, और सबसे लास्ट में जिसका एक था उसको ले लिए, यही हो गया आपका आंसर।